सकल हृदि भान्तं भुवनपं दिवादान्तं दान्तं दनुजनित्यान्तं सुचरितम् सदा तं गोविंदं परम सुखकंदं भजत रे। करणिजा तटकुंज बिहारिणं ललित गोपवधू पटहारिणं सकल योग कला समलंकृतं मुरभिदं प्रणमामि रमाधवं। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तग्वं देवमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर वै शरणमहं प्रपद्ये। यादवेन्द्रांग्रि युगल ध्यानावधानार्थियों दैनिक नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय बढ़ाया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद Oh
यादवेंद्र सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन हूं, मेरा कौन है, इन प्रश्नों का समाधान करना है। आप कहेंगे क्यों? इसलिए कि हम समस्त जीव केवल आनंद ही चाहते हैं। आनंद क्यों चाहते हैं, यह भी आप लोगों को बताया गया वेदों शास्त्रों के द्वारा। वेद कह रहा है आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, तैत्तरीयोपनिषद 3-6, रसो वैसह तैत्तरीयोपनिषद 2-7, रसम लब्ध्वा सुखी भवति कठरुद्रोपनिषद 27, विज्ञानमानंदम ब्रह्म 3-9-28, बृहदारण्यकोपनिषद, और ये मंत्र महोपनिषद में भी है 2-9। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कदाचन, तैत्तरीयोपनिषद 2-4-2-9। यह मंत्र सांडिल्योपनिषद में भी है 2-1, और यह मंत्र सर्वोपनिषद में भी है 20वां, और पुराणों में भी आनंद मात्र मविकल्प मविद्धवर चाह, भागवत 3-9-3, सत्य ज्ञानानंतानंद मात्रैक रसमूर्तया, भागवत 10-13-54, केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धिदृक्, भागवत 10-3-13। ब्रह्म संहिता भी कहती है अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्त, उसका एक एक अंग आनंद स्वरूप है। आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। सब शास्त्र वेद कहते हैं कि भगवान का एक नाम है आनंद, तो होगा उसका नाम आनंद। हम आनंद क्यों चाहते हैं, प्रश्न यह है। हम इसलिए चाहते हैं कि वेद कहता है पादोश विशुभा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि, छांदोग्योपनिषद 3
12:6 त्रिपाद विभूति नारायणोपनिषद 4:1 पुरुष सूक्त 3 मंत्र। ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं हम उसके अंश हैं। स्वकृत पुरे स्वमी स्वबहिरंतर संबरणम तव पुरुषम बदंत अखिल शक्ति धृतोंश कृतम भागवत 10:87-20। हम उसके अंश हैं, हमारे उससे तमाम संबंध है, यानी सब संबंध है। दिव्यो देवैको नारायणो माता पिता भ्राता निवास शरणम सुहृद गति सुबालोपनिषद 6:4। और गीता भी यही कहती है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन 15:7 गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास चरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम गीता 9:18 येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम भागवत 3:25-38। हम उसके अंश कैसे हैं? इसलिए कि हम उसकी शक्ति हैं। ध्यान दीजिए, शक्ति है। भूमिरापो नलो वाय खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारेति यम भिन्ना प्रकृति रक्तधा परे जमितस्तन्याम प्रकृतिम विद्धि मे पराम जीवभूताम गीता 7:4-7:5। भगवान कह रहे हैं मेरी दो शक्तियां हैं, एक परा एक अपरा। शक्तित्वेनांशत्वं व्यंजयति, इसलिए अंश है। इसलिए वेदांत भी आ गया, उसने भी कहा हाँ हाँ अंशो नाना व्यपदेशात 2:3:42 मंत्र वर्णाच अपि च स्मर्यते प्रकाशादिवत नैवं परः स्मरन्ति च। इतने सूत्रों के द्वारा वेदांत ने भी कहा हाँ हाँ समस्त जीव उसके अंश हैं। इसलिए आनंद चाहते हैं। इसलिए मैं कौन हूं, मेरा कौन है, ये ज्ञान परमावश्यक है। वेदों में गए, वेदों ने कहा एक तत्व है, दूसरा है ही नहीं। एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्तु श्वेता चतुरोपनिषद 3:2 न ब्रह्मा नेशान एको हवै नारायण आसीत चतुर्वेदोपनिषद का 1 मंत्र। पुरुष एवेदज्ञं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् पुरुष सूक्त का 2 मंत्र, श्वेता चतुरोपनिषद का 3:15 भागवत का भी यह है सर्वं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवच्च च 2:15 सुबालोपनिषद ने भी ये मंत्र है 6:7 श्वेताश्वतरोपनिषद के अतिरिक्त ईशावास्योपनिषद ने भी कहा गया ईशावास्यमिदग्वं सर्वं। ऋग्वेद भी कह रहा है एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्त एकम संतम बहुधा कल्पयन्त।
एक ब्रह्म है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत् परम भागवत 2:9:32। पश्चाद हम यदि तच्च यो वशिष्ठे कसोस्म हम द्रव्यम कर्म च कालस्य स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन्न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः भागवत 2:5:14। सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः तस्यापि भगवान् कृष्णः किमतद्वस्तुरूप्यताम् केवल एक भगवान कृष्ण है। मत्तः परतरम किंचिन नान्यदस्ति धनंजय गीता 7:7। अहम् कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयः तथा गीता 7:6। ये सारे शास्त्र वेद कह रहे हैं एक ब्रह्म है, फिर ये भी कहते हैं नहीं दो हैं। द्वासुपर्णा सौजा सखाया समानम वृक्षम परिकस्व जाते श्वेताश्चतुरोपनिषद 4:6। मंत्र मुंडकोपनिषद में भी है 3:1:1। ये मंत्र नारायणोत्तरोपनिषद में भी है पहला मंत्र, अर्थात दो है और दोनों एक जगह रहता है हृदय में और दोनों का साजात्य संबंध, सख्य संबंध, साध्य संबंध, सायुज्य संबंध। फिर ये कहता है वेद नहीं नहीं तीन होते हैं, तीन तत्व है दो ही नहीं है। सर्वाजीवे सर्वसंस्ते बृहंते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे संयुक्त में तत्क्षरमक्षरं च व्यक्ता व्यक्तं भरते विश्वमीशा ज्ञाज्ञौ द्वाभजा भीषनीषा भजा ह्येका भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता क्षरम प्रधान ममृता क्षरम हरक्षरात्माना विशते देव एका एतज्ज्ञेयम् नित्यमेवात्म संस्तम नातः परम वेदितव्यम् हि किंचित् द्वे अक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ते विद्या विद्ये निहिते यत्र गूढ़े श्वेताश्चतुरोपनिषद 1:6, 1:8, 1:9, 1:10, 1:12। ये सब मंत्र नारद परिव्राजकोपनिषद में भी हैं। ये सब मंत्र कह रहे हैं तीन तत्व होते हैं जी, एक ब्रह्म, एक जीव और एक माया भी होती है। मायां तु प्रकृतिम विद्यान माइनम तु महेश्वरम, मायाधीश है भगवान और जीव मायाधीन है। 4:10 श्वेताश्चतुरोपनिषद अस्मान् मायि सृजते विश्वमे तत् तस्मिंश्चान्यो मायया संनिरुद्धः। मायाधीश तो विश्व निर्माता है, विश्व का शासक है, नियामक है और जीव शास्य है, नियाम्य है, प्रेर्य है। ये तीन तत्व है लेकिन ये विरोध क्यों है, तीन बातें क्यों लिखी हैं?